तो फ्रेंड्स कैसे हो। आज मैं सोच रहा हूँ ना कि आज ये वाली ब्लॉगिंग जो मैं शूट करूँ फ्लाइंग वेस्ट की तरह कुछ करूँ, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट जो ब्लॉगिंग लगती है वो लगती है फ्लाइंग वेस्ट की। फ्लाइंग वेस्ट के दो चैनल है, अब तो तीन चैनल हो चुके हैं। एक है फ्लाइंग वेस्ट के नाम से, एक है फिट मसल और एक है कौन सा है, रसबरी के पापा, जो कि उसने बनाया है, अभी अभी बनाया है। और एक दिन में उसके सब्सक्राइबर 66K हो गए, मतलब कि 6 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ एक दिन में, कुछ घंटों में 6,000 सब्सक्राइबर हो गए। पर उनकी ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट होती है और मुझे सबसे बेस्ट लगती है। उनका कोई ब्लॉग देख लो खोल के, वो 1.5 मिलियन 2 मिलियन 1.5 मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन से ऊपर ही है। और आप मुझे कोई ऐसा बंदा बता दो जिसका ब्लॉगिंग, हर एक ब्लॉगिंग 1 मिलियन से ऊपर। बॉम्बे का निकल के ब्लॉगिंग भी इतने ही नहीं है, पर उसकी ब्लॉगिंग जब आप देखोगे ना तो एक सेकंड में नज़र नहीं हटती। तो कोशिश है कि मैं वैसी ब्लॉगिंग करूं। अभी मैं उनको ही अभी देखूंगा, मतलब कि उन्हीं से सीखूंगा जो भी है। तो बस कोशिश ये है कि हम शॉप पे आ गए हैं, सफाई सफाई मैंने सारी कर लिया। अभी मैं करने वाला हूँ बाइकों का फोल्डर चेंज, क्योंकि फोल्डर चेंज करने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ फोल्डर। ठीक है, ये देखो शॉप पे काम है, फोल्डर ये टूटा हुआ है, Y2 MI Y2 मैंने खोल लिया, ये देख सकते हो मैंने इसको सारा खोल लिया है। खोलते खोलते की वीडियो नहीं बनाई उसके लिए सॉरी। तो चलो इसको फॉरवर्ड में दिखाते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉगिंग अच्छी लगी हो। पर ये ना मुझे एक रूटीन में जो फ्लाइंग बीस्ट करता है, मैं बीच में वीडियो दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि दिखा दूं। ठीक है, फ्लाइंग बीस्ट मुझे सबसे बेस्ट बंदा लगता है और जेन्युइन बंदा लगता है फ्लाइंग बीस्ट के। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखे तो देखना, जेन्युइन ब्लॉग होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा बकायदा जो वीडियो यूज़ करूंगा उनकी। और उनकी प्यारी सी बेटी बहुत अच्छी लगती है, पप्पा बहुत प्यारी बोलती है, काना लग गया। तो चलो अब ये फॉरवर्ड में दिखाता हूँ मैं। फाइनली हमने इसकी पूरी कर दिया चेंज, तो फॉरवर्ड में आपने देख ही लिया होगा। और ये MI Y2 है, तो इसका हमने सारा फोल्डर चेंज कर दिया, एकदम ओके कर दिया। फाइनली हमने डिस्प्ले चेंज कर दिया, कस्टमर दुकान पे हूँ, शॉप पे हूँ, ये आप चेक कर सकते हो। ओके चल रही है, एकदम काची चल रही है, कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रिपेयर का काम आ गया कामयाब। तो ब्लॉगिंग चल रही है साथ ही साथ। मैंने वैसे इसके अलग से शूट करना था, वो जो मैंने नहीं किया, मैंने ब्लॉगिंग में शूट कर लिया, तो काफ़ी अच्छा। तो हालांकि मैं फोल्डर अभी मतलब कि एक चीज़ मैंने ना मेरे दिमाग में घूम रही थी कि लोग स्टडी क्यों करते हैं। लोग आजकल के जो स्टडी करते हैं, जो पेरेंट्स आजकल के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो ये नहीं करा रहे कि बेटा आप सीख क्या रहे हो, मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। कभी किसने ये नहीं सोचा कि हाँ बच्चा क्यों आया, क्या है बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा है। और दो मेरे हिसाब से जो दो होते हैं कि हम पढ़ते क्यों, हम पढ़ते हैं ताकि जो हमने, जैसे मैंने अभी फोल्डर चेंज किया,
ठीक है, अगर मैंने इसकी स्टडी चेंज की, स्टडी की होती कि हाँ भाई इसको ये फोल्डर लगता है, कितना प्रेशर होना चाहिए इसके ऊपर ताजे लॉक लगाने के लिए, डिस्प्ले के ऊपर कांच का है तो इसके ऊपर इतना प्रेशर होना चाहिए, ये सारा स्टडी से हमारी नॉलेज में आ जाता है कि हाँ भाई हमें इतना प्रेशर है, या फिर प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। तो स्टडी करने के बाद हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल में हमें आ जाता है, अगर हम बिना स्टडी के प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं तो हमें तो भी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब सपोज एक आपने वीडियो देखी होगी तो शायद आपको पता होगा, जिसने देखी होगी, एक सुपर सा बंदा होता है वो ना बास्केटबॉल में पोर्ट करता है तो नहीं होता, उससे पोर्ट नहीं होता, तो कैमरा एक बंदा कैमरा मैन होता है जो कैमरा चेक कर रहा होता है कि हाँ भाई कौन कौन क्या कर रहा है, तो वो तीन चार मारता नहीं होता, फिर वो सारा मेजरमेंट करके सारा कुछ ओके करके फिर दूर खड़ा होकर ऐसे तीन पोर्ट मारता है बास्केटबॉल में, तीनों के तीनों जाते हैं, वो पतला सा बंदा होता है, सफाई वाला बंदा होता है, शायद आपने वीडियो देखी होगी वो, मतलब कि वो लॉजिक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हाँ भी अगर आपने स्टडी की है तो आप हर एक चीज़ को एक आसानी से कर सकते हो, पर वो आजकल की स्टडी गुम हो गई, मतलब कि आजकल के बच्चे को दिमाग डल है, इंग्लिश बोल लेते हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर देते हैं, पर दिमाग नहीं तेज, दिमाग तेज नहीं है आजकल के बच्चों को, क्यों नहीं है, क्योंकि स्टडी के ऊपर सिर्फ नंबरिंग चल रही है, कितने मार्क्स आए हैं, स्कूलों में देख लो, बड़े बड़े स्कूलों में क्या चल रहा है, आप ये प्रोजेक्ट करके लेके आओ, आप हाउस बना के लेके आओ, चार्ट बना के लेके आओ, वो हालांकि वो चार्ट बच्चे खुद नहीं बनाते, पेरेंट्स बना देते हैं, क्यों बनवा लेते हैं, जगह बाहर जाके बना लेते हैं, वो होमवर्क बाहर जाए ज़्यादा, ये हैगा दिशांक भैया का, दिशांक भैया हम उनको देने जा रहे हैं, ये फ़ोन हम उनको देंगे, उनकी शॉप यहीं पास में है, उनको फ़ोन भैया पकड़ो पकड़ो चेक कर लो। तो फ्रेंड्स हमने दिशांक भैया को फोन दे दिया है, हम है लकी इस्माइल शॉप पे, ये यहाँ मैं आता रहता हूँ जब मुझे गर्मी लगती है, मैं यहाँ आ रहता हूँ, यहाँ एसी लगे हुए हैं। फ्रेंड्स अभी हम फ्री टाइम चेस चल रही है, ये राज भाई है, ये चमको साहब है, ये इनकी मतलब इन दोनों की गेम बढ़िया चलती है, और मैं ऐसे वाले दर्शक बनाऊँ, दर्शक नज़ारे ले रहा हूँ चेस के, फ्री टाइम हम चेस खेलते हैं, जब मेरी और चमको साहब की कलेक्शन से आई है चेस, और फ्री टाइम खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, एंड अब भाई चेस करने, ठीक है। ओहो जहर देखो जहर, ऐसे वाले आप देख सकते हो, गली सुनसान है, धूप में कोई नहीं निकल रहा, ये दो मशहूर बंदे आपस में दिमाग लड़ा रहे हैं, खतरनाक मैच चल रहे हैं, ठीक है ये चेस, पूरे मूड में चेस चल रही हो, चेस खेलने में इतना मजा नहीं आता जितना देख के और रोला पड़े में आता, जब कोई मारता ना गिड़ी हुई और लकड़ गई होती तो और मजा आता, हम नज़ारे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद, मेरे यूट्यूब के पैसे फंसे तो वो भी आ गए और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, वो धन धन हो गए धन धन, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और सीने कुछ ऐसा है कि इन्जॉय चल रहा है, और ब्लॉगिंग चल रही है, मैं सोच रहा हूँ आज की ब्लॉगिंग तो कुछ कमाल हो ही जाएगी,